नमस्कार। अभी इस हम वीडियो में मचान कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर छत पे थोड़ा सा काम होना बाकी है। हम इसको हैकिंग कहते हैं, जो निकले हुए चीजें हैं उनको छोटे छोटे जो चीजें हैं उसको जरा निकालना है और इसको साफ करना है। तो इसके लिए हमें इतनी ऊंचाई पे काम करने के लिए एक मचान की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम कई प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसको क्या बल्ली कहते हैं। अच्छा, ये बल्ली का प्रयोग होता है और हम आपको दिखाएंगे कि इस बल्ली के प्रयोग को कैसे हम इसको यूज करेंगे। और इसको क्या कहते हैं, ये जैसी चाली। और इसका भी आपको काफी अच्छे से आप देख सकते हैं इसमें कैसे लगा हुआ है। इसमें जैसे छह बल्ली को साथ में रख के उसमें उसको यहां से जोड़ दिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे ये मचान बनाने का काम शुरू हुआ है। अब यहाँ पे दो बल्ली को साथ में जोड़ा गया है। ये कैसे जोड़ना है ये तो आपने एक वीडियो में अलग से जाना होगा। अब इनको लग दिया है ताकि ये एक स्टैंड जैसे काम करता है। ये ऐसे ही लगा रहेगा यहाँ पे नीचे? हाँ, ऐसे ही लगा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको शुरू शुरू में यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ही काम स्टार्ट होता है यहाँ से। अब बांध के रख दिया है और आप देख सकते हैं कि उस तरफ भी अभी बांधने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत नजदीक से हम आपको दिखाएंगे। इस जोड़ के लिए अलग से भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप अगर देखेंगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे ये जोड़ बनाया जाता है। काफी मजबूत जोड़ है, जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे तक यहाँ पे एक स्टैंड जैसे काम करता है ताकि इसके ऊपर आप सामान रख के आप ऊपर चढ़ के आप काम कर सकते हैं। अब देखिए इसको दोनों तरफ से बांध देते हैं। काफी मजबूत होता है ये जोड़ और ये रस्सी को पहले से ही गीला कर लिया जाता है ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाए ताकि ये टूटे ना। इसको काफी अच्छे से जोड़ दिया गया है, बांध दिया गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा चार्ज दे लेते हैं। तो अभी जैसे आपने देखा था सारे जगह दो दो रस्सी बांधी गई है ताकि काफी अच्छे से ये जोड़ पकड़े रहे और कहीं खिसक के हट ना जाए। और उसके बाद आप ये चाली को उसके ऊपर लगाते हैं ताकि उसके ऊपर खड़े रह के आप काम कर सकते हैं। चाली के बारे में तो हमने पहले ही बताया था। जैसे आप देख सकते हैं ये बांस है और छह सात बांसों को एक साथ रख के उसके ऊपर पटिए से मार दिया गया है ताकि ये काफी मजबूत हो जाए और इसके ऊपर आप खड़े रह के काम कर सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि ऐसे ये पूरा चाली ऊपर लगा दिया जाता है ताकि इसके ऊपर अच्छे से आप खड़े रह के काम कर सकते हैं। बस ये चाली लगा के इसके ऊपर खड़े रह के काम करना, इतना ही होता है ना यहाँ पे। इसको तो बांधने की जरूरत नहीं है, चाली को बांधना जरूरी है क्या? बांधना पड़ता है, इसको भी बांधना पड़ता है ताकि ये भी जगह से नहीं हिले और अपनी जगह पे रहे। बहुत मान लो इस जगह पे अगर पैर जाएगा तो पलट जाएगा, तो इसलिए इसको बांधना भी जरूरी है। अभी इसको लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लग जाएगी। उसके बाद इसको बांध भी देंगे, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये बना हुआ है। अब नीचे से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको यहाँ पे लगाया गया है। और भी इसके ऊपर लगा रहे हैं, आप बिल्कुल देखते रहिएगा। आप देख सकते हैं अभी जैसे इसके ऊपर इस तरह से भी तीसरे यहां तक पीछे तक पूरा ये चाली लगा रहे हैं ताकि ये पूरे के पूरे सीलिंग पे अच्छे से कहीं से भी खड़ा रह के सीलिंग पे काम कर सकते हैं। ये लग गया है और उस तरफ भी अभी लगेगा एक और। नीचे से आप इसको देख सकते हैं, काफी अच्छे से देख सकते हैं नीछे से भी। बस एक आप बस एक और चेली लगानी है और उसके बाद ये पूरी तैयार हो जाएगी, काम करने लायक बन जाएगी। बाहर निकाल लिया था है ना? हम्म,
आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके से इस टाली को ऊपर से ले जाया जा रहा है और वहां पे टिका दिया जाएगा। हम आपको ये नीचे से भी दिखा देंगे, ये पूरी मचान कितने अच्छे से मचान बनी हुई है। अभी अभी आपने देखा था यहाँ पे पूरा खाली था और अभी आप बिल्कुल नीचे से आप देख सकते हैं, आपको पूरा जोड़ दिख रहा है जैसे आपने देखा था। यहाँ से शुरू किया था हमने, दोनों तरफ से बल्ली से बांध दिया, फिर बीच में एक और बल्ली बांधा है, ऐसे यहाँ पे दूसरी लाइन बांधी है और तीसरी लाइन बांधी है ये तीनों तरफ। अब ये छेली बांधेगा, अब ये छेली को पूरा रस्सी से बांध देंगे ताकि ये नहीं हिले ना और मजबूती से पकड़ा रहेगा ताकि आप अच्छे से खड़े रह के काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक एक छेली पे कितने लोग, दो लोग तक खड़े रह के काम कर सकते हैं? चार लोग तक काम कर सकते हैं इसमें, इतना मजबूत होता है। आप देख सकते हैं पांच लोग ये बांध रहे हैं, आप देखिए इसी तरीके से इसको बांधा जा रहा है। आप देख सकते हैं बल्ली के साथ इसको अच्छे से बांधा जा रहा है। ये सारे एक ही रस्सी से पूरे बन जाएंगे, एक ही लाइन के छेली के सबको एक साथ बांधा जा रहा है। ये बांधना क्यों जरूरी है, ये हमने अभी जैसे बताया था, इसको एक जगह पे पकड़े रखने के लिए ये काफी जरूरी होता है। ऐसा करके हर तरफ छेली को बांध दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपने देखा कि कैसे एक मचान बनाया जाता है और मचान की क्या जरूरत होती है, क्योंकि इसी के जरिए आप छत के वो छत पे या ऊंची हाइट पे जो है उस पे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं काफी अच्छे से। इसको आप एक और नजरिए से आप देखिए कि आप किस तरीके से ये बना है। हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से आपको देख सकते हैं। तो ये देखने में आसान होगा बट हाँ, इसके लिए काफी आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। खास तौर पे ये रस्सी को रख के कैसे ये बल्ली को बांधना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि ये जो रस्सी के जरिए जो बंधा हुआ है इसी के ऊपर पूरा वजन टिकता है और इसलिए इसको काफी अच्छे तरीके से सीखना बिल्कुल जरूरी है। तो आप वीडियो देखिए कैसे बांधा गया है, इसको बार बार देखते रहें ताकि आपको अच्छे से इसमें आ जाए, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल काफी अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। धन्यवाद।